हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक में से एक्सरसाइज 5.3 के जो कि एपी सीरीज़ है उसका हम क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एपी सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर श्योर आता है और देन कई बार 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बीच में आ जाते हैं और 4 और 1 मार्क का क्वेश्चन, कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ जाते हैं। उनमें से क्वेश्चन 18 है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हैं, वो आप उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं क्या गिवन है। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स लाइक दिस, देन दिस, देन दिस इज अ सेमी सर्कल, देन दिस इज अ सेमी सर्कल विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स इसका जो रेडियस है वो 0.5 है। देन ये सेमी सर्कल है हमारे पास विद 1 सेंटीमीटर, देन दिस सेमी सर्कल विद 1.5 सेंटीमीटर, देन दिस सेमी सर्कल विद 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। मीन्स ऐसे करके हम सेमी सर्कल्स बनाते जा रहे हैं तो हमें इनकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया कि हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। देखिए हमारे पास सबसे पहले सरकमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज पाई आर। सेमी सर्कल है यहाँ पे, ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है पाई आर उसका होता है। मीन्स हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हम सर्कमफ्रेंस मीन्स ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस देख लें, प्लस इसका देख लें, देन प्लस इसका देख लें, देन प्लस ये, देन प्लस नेक्स्ट, प्लस नेक्स्ट, प्लस नेक्स्ट, मीन्स अगर सबको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम इनका सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। हम सबसे पहले जो L1 हमें गिवन है, ये L1 है, हम इसका सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। L1 इज इक्वल टू पाई आर, 1 इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देन L2 क्या हमारे पास होगा, पाई आर 2। ये रेडियाई वैल्यूज हैं R1, R2, R3, ये रेडियस है अलग अलग। तो R1 जो है वो हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है R1, R2 की, 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, ऐसे ही हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। पाई इंटू, नेक्स्ट हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टू इंटू 0.5 इंटू पाई सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देन हम L3 देख लेते हैं। L3 हमारे पास क्या होगा, पाई आर थ्री, पाई आर थ्री हमें कितना गिवन है, 1.5, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो है 1.5, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.5, देन इंटू पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही हम L4 देख लेते हैं, पाई आर फोर रेडियस हमें कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 0.5 इंटू पाई सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास सक्सेसिवली कैसे आ रहा है, पाई इंटू 0.5, देन 2 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.4 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पे 3 इंटू 0.5 आ रहा है, 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 0.5 आ रहा है। इसी तरह से हम देख लेते हैं, अगर 13 यहाँ पे हमें गिवन है कि 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ये हमने 4 तक निकाले तो हमें 13 सर्कल्स का निकालना है, तो हम L13 देख लेते हैं। नेक्स्ट चलता रहेगा एज इट इज, L13 विल बी पाई आर 13, क्या हो जाएगा, पाई इंटू 13 इंटू 0.5
सेंटीमीटर इस फॉर्म में आ जाएगा. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ. टोटल लेंथ, देखिए टोटल लेंथ जो है, हमने पहले भी बात की है कि ये जो सारा आ रहा है हमारे पास, ये सेमी सर्कल, देन ये सेमी सर्कल, देन ये सेमी सर्कल, देन ये सेमी सर्कल, देन ये सेमी सर्कल, ऐसे ये सारा स्पाइरल है. इनका जो सर्कमफ्रेंस है अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ आ जाएगी. ओके, तो हम इनके सर्कमफ्रेंस को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस अप टू सो ऑन एल थर्टीन, ये हम ऐड कर लेते हैं. तो क्या हमारे पास एल वन की वैल्यू हम देख लेते हैं, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर प्लस एल टू की वैल्यू 2 इंटू 0.5 पाई प्लस एल थ्री की वैल्यू 3 इंटू 0.5 पाई प्लस 4 इंटू 0.5 पाई प्लस अप टू सो ऑन 13 इंटू 0.5 पाई, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. देन हम देख लेते हैं इनमें से पाई कॉमन निकल रहा है इन सारी वैल्यूज में से, और देन 0.5 भी हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं. चलिए 0.5 इंटू पाई, अंदर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन 13, यहाँ से पाई और 0.5 कॉमन निकाल दिया, 1 पाई 0.5 2 पाई 0.5 3 बच गया, पाई और 0.5 निकाल दिया 4 बच गया, पाई और 0.5 निकाल दिया 13 बच गया. चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो हमें वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन 13 फॉर्म्स एंड एपी सीरीज. ये कोई एपी सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे हम इनका सम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनको हमने एडिशन इनकी फाइंड आउट करनी है, तो इनका सम जो क्या होएगा, एस 13 इज इक्वल टू, देखिए सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 13 बाय टू ए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 13. ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं 13 बाय टू 1 प्लस 13 दैट विल बी 13 बाय टू इंटू 14 इज इक्वल टू 13 बाय 2 इंटू 7 दैट विल बी, सॉरी दैट विल बी 13 इंटू 7 दिस इज 91. देखिए यहाँ पे हमारे पास इस सब की समीशन आ गई 91. चलिए अब हम देख लेते हैं टोटल लेंथ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू सो ऑन 13 इन फर्स्ट, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं टोटल एलियन लेंथ इज इक्वल टू 0.5 इंटू पाई इंटू यहाँ पे क्या था 91. चलिए ये क्या आ गया हमारे पास 5/10, पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 22/7 होती है वैसे भी पाई की वैल्यू, देन 91 टू 11 एंड दिस इज 13, 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर. मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वो क्या आ गई हमारे पास 143 सेंटीमीटर. यानी कि देखिए ये हमें गिवन था, इस सारे की जो टोटल लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर.
आई होप आपको मेरा समझाया हुआ ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया है। यदि ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।